हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सने में। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहे हैं माइग्रेट इन मनमार्टी का एपिसोड नंबर 1 सीजन 1 का। इसके दो सीजन हैं और दोनों सीजन में दो दो एपिसोड्स हैं। बाकी बचे हुए 3 एपिसोड मैंने बहुत पहले ही एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो आप उसको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जा कर के देख सकते हैं। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सने। तो कहानी शुरू होती है एक कपल से जहाँ पर इनके बहुत सारे बच्चे होते हैं। यहाँ पर कपल में जो वाइफ होती है उसे मेडिसिन लेने के लिए बाहर जाना पड़ता है, और बाहर जा कर के वो मेडिसिन लेकर के आ ही रही थी कि तभी एक किलर उसके ऊपर अटैक करता है और उसे जान से मार देता है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर डिटेक्टिव माइग्रेट आता है और यहाँ पर बाकी के कॉप्स उसे बताते हैं कि इस लड़की को दो जगह से काटा गया है और उसके पीछे के कपड़े भी फटे हुए हैं, लेकिन इसके साथ कोई भी फिजिकल असॉल्ट नहीं हुआ है। असल में माइग्रेट पिछले 5 महीने से ये केस सॉल्व कर रहा है जिसमें एक सीरियल किलर प्रॉपर इसी तरीके से लोगों को मार रहा है, और ये केस माइग्रेट के अंडर में है जहां पर पुलिस अभी तक नाकाम रही है और अब तक 5 लोगों की डेथ हो चुकी है। इस बात से मीडिया भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है। यहाँ पर वो कॉप्स ये भी बोलते हैं कि मर्डर का वेपन कोई छोटा सा चाकू है और यहाँ पर और कोई भी क्लू नहीं है और ना ही कोई विटनेस है। अब यहाँ पर माइग्रेट देखता है कि बॉडी के पास में एक मेडिसिन की बोतल पड़ी होती है, तो अब वो विक्टिम के घर पे उसके फैमिली मेंबर से मिलने जाता है। यहाँ विक्टिम के घर पे उसके हस्बैंड होते हैं जो कि अकेले 3 3 बच्चों को संभाल रहे होते हैं। ये देख करके माइग्रेट को बुरा लगता है और फिर वो वहाँ से निकल आता है। यहाँ से निकल करके वो उस लड़की से मिलने जाता है जिसने सबसे पहले लाश को देखा था, और उसका नाम होता है मिशेल। यहाँ वो उससे बात करता है और फिर वो उसे एक नोट देता है और कहता है कि घर जाते वक्त वो टैक्सी कर ले। तो मिशेल उसे वो नोट वापस कर देती है और कहती है कि वो किस किस को नोट देगा और यहाँ से कितनी लड़कियाँ रोज टैक्सी करके घर जाएंगी। उसके कहने का मतलब ये होता है कि पुलिस को जल्दी से जल्दी सीरियल किलर को पकड़ना चाहिए। अब नेक्स्ट सीन में माइग्रेट मिनिस्टर से मिलने जाता है, जहाँ पर मिनिस्टर बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है क्योंकि वहाँ पर हर जगह मीडिया में ये न्यूज़ उड़ रही होती है कि माइग्रेट अभी भी ये केस सॉल्व नहीं कर पाया है, जिसकी वजह से उनके ऊपर बहुत सारे चीटे उछल रहे होते हैं। यहाँ पर माइग्रेट का सीनियर भी होता है और मिनिस्टर उसे आखिरी बार बोलता है कि वो जल्दी से जल्दी केस को सॉल्व कर ले। यहाँ माइग्रेट बोलता है कि वो समझने की कोशिश कर रहा है कि सीरियल किलर कैसा है, क्योंकि वो जिस भी लड़कियों को मार रहा है उसका कोई भी पैटर्न नहीं है, सिर्फ एक चीज़ की है कि उन सभी लड़कियों के बाल ब्राउन कलर के थे, बाकी उनकी एज, उनका प्रोफेशन, किसी भी चीज़ में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है। और यहाँ पर ज़्यादातर मर्डर एक स्पेसिफिक एरिया में हो रहे हैं, और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और वापस से अपने घर आता है। यहाँ घर आकर के उसकी वाइफ उसे बोलती है कि उन्हें उनके फ्रेंड के घर डिनर पर जाना है, जिसके लिए वो पहले ही हाँ बोल चुके हैं, और वहाँ पर उससे मिलने के लिए एक डॉक्टर भी आने वाला है। माइग्रेट को जाने का मन तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो चला जाता है। यहाँ पर बातों ही बातों में डॉक्टर बोलता है कि ऐसे सीरियल किलर अक्सर अपना नाम बनाने के लिए ऐसे काम करते हैं, और 20 साल पहले भी ऐसा ही एक सीरियल किलर था जो ऐसे ही मर्डर करता था। तो माइग्रेट उसे बोलता है कि हमने हर जगह से चेकिंग करवा ली है और 20 साल पहले जितने भी सीरियल किलर्स थे जो कि पकड़े गए थे, उनमें से कोई भी इस एरिया में नहीं रहता है, तो वो उनमें से नहीं हो सकता और ये ज़रूर कोई नया इंसान होगा। और इसके बाद उसे एक आइडिया आता है, और नेक्स्ट सीन में पुलिस एक आदमी का चेहरा छिपा करके उसे जल्दी से अपने पुलिस स्टेशन में लेकर के जा रही थी। यहाँ पर हर वक्त ही मीडिया सामने खड़ी रहती थी, तो मीडिया ने इस चीज़ को भी कवर किया था। अंदर जाकर के हमें पता चलता है कि असल में वो दूसरे पुलिस स्टेशन का कांस्टेबल होता है, और माइग्रेट ने जानबूझकर ये चाल चली थी ताकि मीडिया को ऐसा लगे कि वो किसी आरोपी को पकड़ रहे हैं। अब यहाँ पर थोड़ी देर बाद एक ब्रेड देने वाला वहाँ पर अंदर आता है, तो यहाँ पर जेवियर उसके सामने चिल्लाने की एक्टिंग करता है, और जिससे ऐसा लगता है कि वो उस कांस्टेबल से पूछताछ कर रहा है। और इसके बाद वो ब्रेड वाला बाहर जाकर के मीडिया को सब कुछ बता देता है, और अब रिपोर्टर्स इसे न्यूज़ के फ्रंट पेज पे ये बोल करके छाप देते हैं कि शायद वो किलर पकड़ा गया है। अब ये सब कुछ पढ़ करके माइग्रेट के सीनियर को गुस्सा आती है क्योंकि उसे बताया नहीं गया और उसके बिना परमिशन के इतना बड़ा कदम उठा लिया गया। पर इसके बाद माइग्रेट बोलता है कि उसका प्लान पक्का है, और उसने पूरे 200 पुलिस ऑफिसर्स को पूरे शहर में लगा दिया है,
और स्पेशली मनमार्टी वाली रोड पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा किलिंग वहीं पर हुई थी। और यहाँ पर 12 लेडी कांस्टेबल जिन्हें अच्छे से सेल्फ डिफेंस आता है, वो नॉर्मल से कपड़ों में वहीं पर अकेले घूमेंगी ताकि किलर उन्हें अपना निशाना बना सके। और किलर को ये देख करके गुस्सा आएगी कि उसके काम का क्रेडिट न्यूज़पेपर में किसी और को दे दिया है, और इसी गुस्से में वो अगले ही दिन किलिंग ज़रूर करेगा ताकि सबको पता चल सके कि जिसे पकड़ा गया है वो असली किलर नहीं है। और अब नेक्स्ट सीन में रात हो जाती है, जहाँ पर सभी पुलिस ऑफिसर्स पहरा दे रहे थे और सारी लेडी ऑफिसर्स घूम रही थी। यहाँ पर हम एक लेडी ऑफिसर को देखते हैं जो कि अपने बीएफ को किस करती है और फिर वहाँ से निकल जाती है, और थोड़ी ही देर बाद पीछे से उसके ऊपर किलर अटैक करता है। पर वो जैसे तैसे अपना मुँह उससे छुड़ा लेती है और चिल्लाती है। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वहाँ पे बहुत सारे कॉप्स आने लगते हैं और वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। एक ऑफिसर उसका पीछा भी करता है पर वो बच के निकल जाता है। और अब माइग्रेट जल्दी से उस लेडी को कार के अंदर बिठाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसके हाथ में कपड़े का टुकड़ा होता है। असल में जब वो उस किलर से लड़ रही थी तभी उसके कोट का टुकड़ा फट करके उस लड़की के हाथ में आ गया था, तो ये उनके पास अब एक बहुत बड़ा सबूत होता है। माइग्रेट उससे उस टुकड़े को ले लेता है और फिर उसे पुलिस स्टेशन में लेकर के आता है, जहाँ पर वो लड़की बताती है कि वो लड़का बिल्कुल 30 साल की उम्र का होगा और उसकी हाइट थोड़ी छोटी थी। वो इतना सब कुछ इसलिए बता पा रही थी क्योंकि लड़ते वक्त उसने एक झटके में कुछ सेकंड के लिए थोड़ा सा उस किलर को देख लिया था। अब माइग्रेट उस कपड़े को लेकर के एक फॉरेंसिक के एक्सपर्ट के पास जाता है, जो कि उसे देख करके बताता है कि इसमें लगा हुआ बटन दिखने में काफ़ी आम सा लग रहा है, पर असल में ये काफ़ी ज़्यादा खास है और इसे नॉर्मल लोग नहीं लगाते हैं। साथ ही में ये कोट का कपड़ा भी काफ़ी महंगा है और ये इंग्लैंड में ही बना है, तो इसे बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं बनाया होगा और वो आसानी से इस कपड़े को बनाने वाले की खोज कर सकते हैं। और अब नेक्स्ट सीन में एक रिपोर्टर ये देख लेती है कि एक लेडी ऑफिसर पुलिस स्टेशन में बैठी हुई है, जहां पर उसकी बैग में से कपड़ा वैसा ही फटा है जैसे कि किलर फाड़ता था, तो उसे पता चल जाता है कि उन्होंने लेडी ऑफिसर को एज अ बेट यूज़ किया है। और ये बात किसी को भी पसंद नहीं आती है और वो रिपोर्टर भी अपने न्यूज़ में सब कुछ प्रिंट कर देती है, जिसे सुन करके माइग्रेट की वाइफ को भी बुरा लगता है। और ये न्यूज़ सुनने के बाद मिनिस्टर फाइनली डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें माइग्रेट को इस केस से हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो सीनियर होता है वो माइग्रेट को इस केस से हटा देता है और उसकी जगह एक दूसरे ऑफिसर को बुला लेता है। ये बात वो माइग्रेट को भी बता देता है और ये भी बोलता है कि कल सुबह तक वो ऑफिसर आ जाएगा और इसके बाद वो ये सारी फाइल्स उसी को दे दे। तो अब माइग्रेट को इस केस को सॉल्व करने के लिए सिर्फ कल सुबह तक का वक्त होता है, क्योंकि अगर ये केस किसी और को मिल गया तो उसकी काफ़ी बेइज्जती होगी। इसके बाद माइग्रेट को यहाँ पर जेवियर का और उसके पार्टनर का कॉल आता है और वो लोग उन्हें बताते हैं कि उन्होंने उस आदमी को ढूंढ लिया है जो ऐसे कपड़े को बेचता है, और वो इन कपड़े को डायरेक्टली टेलर्स की शॉप पर ही बेचता है, और उसने अभी तक ऐसे 40 कपड़े बेचे हैं जिसमें से 28 पेरिस के हैं और जिसमें से 10 में वो ब्लू धागा लगा हुआ है। तो अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग 10 की 10 टेलर की शॉप में जाएंगे और पता करेंगे कि वो सूट किसने बनवाए हैं। यहाँ पर उनमें से एक को एक आदमी का नाम मिल जाता है जिसने वैसा ही बटन अपने सूट पर लगवाया और इसका नाम होता है मॉनसन। तो अब यहाँ पर माइग्रेट अपनी टीम के साथ मॉनसन के घर में पहुँच जाता है और वहाँ पर उसकी मेड दरवाज़ा खोलती है। बाद में उसकी वाइफ आती है और वो उससे कहती है कि उसका पति अभी सो रहा है और वो उसे जगा देगी। यहाँ माइग्रेट उसकी वाइफ से बोलता है कि वो अभी तक सो रहा है, मतलब शायद वो रात में देर तक जगा होगा। तो उसकी वाइफ बोलती है कि वो एक आर्टिस्ट है और वो लेट नाइट काम करता है। और इसके बाद बाहर मॉनसन आता है, जिसे अरेस्ट करने के लिए माइग्रेट अपने साथ गन भी लेकर के आया होता है जो कि फुली लोडेड होती है। पर यहाँ पर मॉनसन एक बहुत ही नॉर्मल सा लड़का लग रहा होता है, जो कि उनके साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बिहेव करता है और वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा खुश मिजाज लग रहा था। वो उसे बता देता है कि वो कल रात अपने ऑफिस में था जहाँ पर वो लेट नाइट काम करता है। माइग्रेट बोलता है कि कल उसने कौन सा सूट पहना था, तो वो उसे अपना सूट दिखाता है जो कि एक दूसरा सूट होता है। माइग्रेट कहता है कि वो उसकी कबर्ड देखना चाहता है, तो वो उसे वो भी देखने देता है, इसमें भी वो सूट नहीं होता है। तो अब माइग्रेट डायरेक्टली पूछ लेता है कि वो सूट कहाँ है जिसमें ब्लू धागा है। तो मॉनसन बोलता है कि वो सूट उसने एक हफ्ते पहले एक भिखारी को दे दिया क्योंकि उसके ऊपर एक सिगरेट से जलने का निशान बन गया था, और वो चीज़ों को डैमेज करने के बाद उन्हें रिपेयर करना पसंद नहीं करता है।
इसके बाद माइग्रेट वहाँ पर उनकी मेट को बुलाता है और पूछता है, तो वो बताती है कि वो ऊपर 6th फ्लोर पर रहती है जहाँ पर बाकी सारे सर्वेंट भी रहते हैं। माइग्रेट बोलता है कि क्या तुमने कभी भी किसी जले हुए सूट के बारे में सुना? तो वो मेड बोल देती है कि वो कभी भी अपने ओनर्स की बातें नहीं सुनती है और ना ही उसने कभी ऐसे किसी सूट को देखा है, क्योंकि मॉनसन अपने सारे सूट खुद ही से प्रेस करता है। और अब इसके बाद माइग्रेट मॉनसन को बोलता है कि तैयार हो जाओ, वो उसे अरेस्ट कर रहा है। ये सुन करके मॉनसन को झटका लगता है और वो बोलता है कि आप मुझे अरेस्ट क्यों कर रहे हैं? तो माइग्रेट बोलता है, क्योंकि तुमने अभी तक पहली बार ये पूछा है कि हम तुम्हें अरेस्ट क्यों कर रहे हैं, और तुमने शुरू से अभी तक एक बार भी नहीं पूछा था कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं और तुमसे इतनी पूछताछ क्यों हो रही है, क्योंकि तुम्हें पहले से ही पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और अब वो मॉनसन को पकड़ के ले जाते हैं और जेल में डाल देते हैं। साथ ही में माइग्रेट बोलता है कि जहाँ पर उस भिखारी को मॉनसन ने वो सूट दिया था, वहाँ पर जा कर के उस भिखारी से वो सूट को लेकर के आओ और उसको चेक करो कि उसमें लगा हुआ सिगरेट का दाग 1 हफ्ते पुराना है या फिर उसके बाद का, क्योंकि मॉनसन ने बोला था कि उसने वो सूट 1 हफ्ते पहले भिखारी को दे दिया है। और इसके बाद वो मॉनसन से बात करता है, पर मॉनसन ये एक्सेप्ट नहीं करता है कि वो कोई सीरियल किलर है। इसके बाद माइग्रेट वहाँ पर यहाँ पर मॉनसन उसे ये ज़रूर बताता है कि पहले वो मनमार्टी में रहता था अपनी माँ के साथ, और बाद में वो अपनी वाइफ के साथ उस अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया जहाँ वो इस वक्त रहता है। तो फिर माइग्रेट उसकी माँ को वहाँ पर लेकर के आता है। यहाँ पर उसकी माँ उसे देखते ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और वो कहती हैं कि वो पेरिस का सबसे बेस्ट लॉयर हायर करेंगी, और फिर उन्हें वहाँ से भेज दिया जाता है। अब मॉनसन बोलता है कि उसकी माँ पेरिस का सबसे बेस्ट लॉयर हायर करने वाली है। तो यहाँ पर माइग्रेट बोल देता है कि तुम्हारी वाइफ ने कई मंथ से उस अपार्टमेंट का किराया नहीं दिया है, तुम्हारा कोई भी आर्टवर्क अच्छा नहीं चलता है, और तुम्हारा जो फैमिली का मनी था जो कि अभी तक खर्च हो रहा था वो भी अब लगभग खाली हो चुका है, और तुम अपनी लाइफ में एक लूजर हो। और ये सुन करके मॉनसन को बहुत गुस्सा आता है। और अब उसकी माँ के पास भी पैसे नहीं होते हैं कि वो इतने बड़े लॉयर को हायर कर सके। इसके बाद वो लोग उसी लेडी कॉप को बुलाते हैं और मॉनसन को पहचानने के लिए बोलते हैं, तो वो लड़की पहचान तो लेती है पर ये कहती है कि वो उसे श्योर नहीं है। दूसरी तरफ यहाँ पर जब माइग्रेट उसकी वाइफ से मिलने के लिए उसके घर पे जाता है, तो वो लोग उसके घर की तलाशी भी लेते हैं और जहाँ पर उन्हें वही छोटे छोटे नाइफ मिल जाते हैं जिनसे कि मर्डर हुआ है। दूसरी तरफ अब तक यहाँ पे वही नया ऑफिसर आ चुका होता है जिसे वो केस देना था, पर यहाँ पर माइग्रेट कहाँ है ये किसी को भी पता नहीं चलता है, या फिर शायद कोई बताता नहीं है, क्योंकि माइग्रेट वहीं पर नीचे होता है और मॉनसन से बात कर रहा था। यहाँ पर जेवियर बोलता है कि उस कोर्ट की रिपोर्ट आ चुकी है और ये पेपर ले जा करके माइग्रेट को दे दो। और अब ये पेपर मिलते ही माइग्रेट सीधे चला जाता है अपने सीनियर के पास और उसे जा करके बता देता है कि उसके पास इनफ एविडेंस हो गया है जिससे कि अब वो ये प्रूफ कर सकता है कि मॉनसन ही सीरियल किलर है, क्योंकि रिपोर्ट से ऐसा पता चला है कि उस सूट पे लगा हुआ सिगरेट का दाग 1 दिन पुराना है, 1 हफ्ते पुराना नहीं, और घर से वो नाइफ भी मिल गए हैं, तो मतलब कि मॉनसन ने मर्डर किया था 1 रात पहले और बाद में उसने वो सूट भिखारी को दे दिया। और अब ये सुनकर के माइग्रेट का सीनियर भी उसकी बात मान जाता है और अब फाइनली माइग्रेट खुश होता है और वो अपने बेड पे आराम से सो रहा होता है कि तभी उसे रात में कॉल आता है और पता चलता है कि एक और मर्डर हो गया है। पर इस बार जो मर्डर हुआ था वो तक क्रीम नहीं था, मतलब कि 2 की जगह 6 बार वार किया गया था, और कपड़े भी ऐसे फाड़े हुए थे लग रहा था कि किसी ने जल्दीबाजी में ये सब कर दिया हो। तो अब ये सब कुछ देख करके माइग्रेट मॉनसन के वाइफ और पत्नी को पुलिस स्टेशन में बुलाता है और इसके बाद वो जा करके मॉनसन से बात कर कि तुम्हारी वाइफ और पत्नी में से किसी एक ने तुम्हें बचाने के लिए एक लड़की को मार दिया है, और वो लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि वो दोबारा से तुम्हें अपने कंट्रोल में रख सके। यहाँ पर माइग्रेट बातों ही बातों में मॉनसन को भड़का रहा होता है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि मॉनसन की वाइफ और उसकी पत्नी उसे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं और उसे सिर्फ उसी के पास में रखना चाहते हैं, और इसी वजह से मॉनसन बिल्कुल भी आज़ाद फील नहीं करता है। थोड़ी देर में यहाँ पर मॉनसन की वाइफ और पत्नी भी आ जाते हैं, जहाँ पर मॉनसन की वाइफ एक्सेप्ट कर लेती हैं कि उन्होंने ही मर्डर किया है। तो माइग्रेट बोलता है कि विक्टिम के कपड़ों का कलर क्या था। यहाँ पर वो कहती है कि वहाँ पर अंधेरा था तो वो देख नहीं पाए,
कि तभी वहां पर मॉनसिन की वाइफ कपड़ों का सही कलर बता देती है, क्योंकि वो मर्डर मॉनसिन की वाइफ ने ही किया होता है। और मॉम उसका इल्ज़ाम इसलिए अपने सर पर ले रही थी ताकि वो अपने आप को अपने बेटे के सामने महान बना सके और ये दिखा सके कि वो उससे ज़्यादा प्यार करती है। अब यहाँ पर मॉनसिन भी बोल देता है कि पिछले सारे मर्डर्स उसी ने किए थे, क्योंकि वो अपनी माँ से और अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। और यही रीज़न था कि विक्टिम के बाल हमेशा ब्राउन थे, क्योंकि उसकी माँ और उसकी वाइफ के भी बाल ब्राउन होते हैं। और मॉनसिन अपनी लाइफ का एक लूज़र होता है, वह कभी भी आगे बढ़ करके कुछ नहीं कर पाया क्योंकि हमेशा उसकी माँ और उसकी वाइफ ने उसे बांध के रखा। इसीलिए वो भी इम्पॉर्टेंट है, स्पेशल है और वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये दिखाने के लिए वो लड़कियों के मर्डर करने लगा, क्योंकि ऐसा करके उसे खुशी मिलती थी और लोगों के बीच में उसका नाम भी हो रहा था। और उसकी वाइफ और पत्नी को बहुत पहले से ही पता होता है कि मॉनसिन एक क्रिमिनल है, लेकिन फिर भी वो हर वक्त उसे बचाते ही रहे थे। और अब फाइनली ये एपिसोड मॉनसिन के आई हेट यू बोलते हुए ही ख़त्म हो जाता है, जो कि वो अपनी वाइफ और अपनी माँ को ही बोल रहा था। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।